दोस्तों आज का टॉपिक है लोक सेवक। लोक सेवक के बारे में आपने पहले भी लोक की लैंग्वेज में कई वीडियोस में सुना होगा कि लोक सेवक के ऊपर हम किसी भी तरीके का कोई प्रहार नहीं कर सकते। तो आज हम बताने वाले हैं कि लोक सेवक आखिर किसे कहते हैं और लोक सेवक की कैटेगरी में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। तो लोक सेवक जो डिफाइन किया गया है IPC सेक्शन 21 में किया गया है। लोक सेवक में अगर हम बात करें तो लोक सेवक वह व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर लोक व्यवस्था की, लोक सेवा की कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी और ऐसा कर्तव्य का पालन करने की उनसे आशा की जाती है या उनको यह कार्य दिया जाता है। यह सरकार की तरफ से वेतन या कमीशन प्राप्त करके कार्य करते हैं तो लोक सेवक ये होते हैं। मगर इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्या हर व्यक्ति, हर सरकारी व्यक्ति क्या लोक सेवक की कैटेगरी में आएगा? नहीं, लोक सेवक की कैटेगरी में वो व्यक्ति आते हैं जिन पर किसी भी तरीके के संपत्ति या किसी भी तरीके का कोई कर्तव्य निर्धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो लोक सेवक की जो कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति हैं वो निम्न प्रकार हैं, जैसे कि हमारी जो सेना है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना के सभी प्रकार के अफसर इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी है जो न्यायालय में किसी भी विधि से सशक्त हर व्यक्ति जो न्यायाधीश के अंडर में कार्य करता है और विधि द्वारा सशक्त किया गया हो और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाली गई हो। तीसरे जो कैटेगरी में आते हैं, न्यायालय के हर वो व्यक्ति जो किसी भी तरीके का अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करना या किसी भी तरीके का कागजी कार्रवाई करने के लिए न्यायालय द्वारा या लोक सेवक के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, हर वो व्यक्ति लोक सेवक। न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर वह व्यक्ति जो जूरी सदस्य या पंचायत सदस्य हो, लोक सेवक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, हर मध्यस्थ करने वाला वह व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा किसी मामले में रिपोर्ट बनाने के लिए लाया गया हो या उसे चयन किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है, हर व्यक्ति जो पद पर रहकर किसी भी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने में सशक्त हो, मतलब कि किसी भी तरीके का किसी भी व्यक्ति को अगर उसे कैप्चर करने का अगर उसे यह राइट है तो वह लोक सेवक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, सरकार का हर अफसर जिसका कर्तव्य अपराध का निवारण करे, अपराधों की खबर दे और अपराधी को न्याय के लिए न्यायालय में उपस्थित करे, लोक सेवक की श्रेणी में आता है। हर अफसर जिसको सरकारी संपत्ति को ग्रहण करने, उसको व्यय करने और प्राप्त करने और उसे किसी भी प्रकार की संविदा करने का राइट प्रदान हो, उसे लोक सेवक की श्रेणी में कहलाते हैं। हर अफसर जो ग्राम नगर के लिए सरकारी संपत्ति को प्राप्त करे, उसे ग्रहण करे और संविदा कर सकता है, वह लोक सेवक की श्रेणी में आता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, हर व्यक्ति जो सरकार के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करे, प्रकाशित करे, वह लोक सेवक की श्रेणी में आता है।